नींद। आप जब भी पढ़ने बैठते हो तो आपको किताब खोलते ही, किताब में कुछ अक्षरों को पढ़ते ही, किताब को देखते ही नींद आने लगती है। एक बात याद रखना, महान लोगों की पहली जीत उनकी नींद पर होती है। जितने बड़े सपने होते हैं उतनी ही कम नींद आती है। दूसरों को सोते देख जो आंखें रात भर पढ़ती हैं, वही आंखें एक दिन इतिहास रचते देखती हैं। आपको पढ़ते टाइम नींद आती है तो आपको बुक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बुक से आपको कोई लगाव ही नहीं है। पहले के समय में पढ़ने के लिए किताबें नहीं हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोग रेत पर भी लिखकर महान बन गए। आज तो आपके पास हर चीज उपलब्ध है, वो भी टाइम टू टाइम। फिर आप इन किताबों से इतना नफरत क्यों कर रहे हैं? आपको 8 घंटे रात में सोने के लिए मिलता है, लेकिन 90% लोग फोन स्क्रॉल करते हैं 1-1, 2-2 बजे रात तक, तब तो नींद नहीं आती, लेकिन किताब को देखते ही नींद आने लगती है। ये तो आपका भ्रम है। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप केवल किताबों को ही पढ़ो, आप समाज को भी पढ़ो, क्योंकि कुछ चीजें जो हमें किताबें नहीं सिखाती वो आपका समाज सिखा देता है। जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है। अगर आपके अंदर कुछ कर जाने की जिद है तो आप हर बाधा को भी पार कर सकते हो। नींद आती है तो कुछ समय का ब्रेक लेकर फ्रेश फील करो, पानी से मुंह धो लो, फिर पढ़ने बैठ जाओ। एक अच्छे छात्र की यही पहचान होती है, चाहे कोई भी रुकावट आ जाए उसके रास्ते में, पर वो हर हाल में विजय को प्राप्त करता है। कोशिश तो करके देखो, कोशिश करो कि आज से मुझे 1 घंटा पढ़ना है, तो एक बार में नहीं हो पाएगा, एक बार में नहीं कर पाओगे। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो ये सोचे कि आज मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। आप यकीन नहीं करोगे, इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को भी आसानी से पास कर लेंगे। दुनिया के ये लोग आपका साथ भले छोड़ दे, लेकिन किताबें आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। सोचो, आज तुम 2-3 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। इसलिए आदत बनाओ पढ़ने की। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदत हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। जीवन में इश्क का होना तो लाजमी है, पर वो इश्क किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का जख्म नहीं, करियर बनाने का अवार्ड मिलता है। अपनी नींद पर काबू पाओ, क्योंकि एक अच्छी किताब 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त 1 लाइब्रेरी के बराबर होता है। इसलिए नींद नहीं, अपने सपनों के लिए जियो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद नहीं जरूरी है, आपके सपने जरूरी हैं। आप जो पाना चाहते हो उसको पाओ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।